देखिए, इस दुनिया की जो सबसे भ्रष्ट संस्था है उसका नाम है बीएमसी। हजारों करोड़ रुपए पिछले सालों में गड्ढे भरने के लिए बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्टरों की जेब भरी और उनसे दलाली ली। पैसे तो चले गए टैक्स पेयर के, लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए। अभी कई दुर्घटनाएं हो गई जिनमें लोगों की जान चली गई है। क्या एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना लापरवाह हो सकता है, इतना निकम्मा और कामचोर हो सकता है? ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, ये हर साल सड़क बनती है, हर साल टूटती है, हर साल खड्डे होते हैं, करोड़ों रुपए का फंड पास होता है, यहाँ की विधायक, यहाँ के लोग, यहाँ के सांसद सबको दलाली मिलती है। बीएमसी के ऑफिसर दलाली खाते, लेकिन ये खड्डा था। आप एम्बुलेंस जा रही है, आप एम्बुलेंस की परिस्थिति देख लीजिए क्या है। कोई मरीज हो, कोई दिक्कत हो, स्कूल के बच्चे हो, क्या हो। इसी तरीके से पूरे मुंबई शहर में ये जो खड्डे हैं, ये बीजेपी की सरकार के खड्डे हैं। ये उनकी ताबूत की आखिरी कील है, जिसके लिए यूथ कांग्रेस ने एक जागरूकता अभियान फैलाया है कि विकास कहाँ गया। जिस विकास की बात मोदी जी करते थे, 400 पार की बात करते थे, 240 पे आ गए, वो विकास जो सिंधे और फडणवीस का विकास है, चोर बीएमसी का विकास है, वो कहाँ गया। हम ये रस्तों पे घूम घूम के ढूंढ रहे हैं और दिखा रहे हैं जनता को। मुंबई यूथ कांग्रेस ने ये पहल शुरू की है, और जब तक पूरे खड्डे भरे नहीं जाएंगे तब तक इस तरीके कैंपेन चलते रहेंगे, और बहुत जल्द हम बहुत बड़ी मात्रा में बीएमसी के ऑफिसर्स का घेराव करने वाले हैं, उनसे जवाब मांगने वाले हैं। To show you and give you a sense of how bad it's looking like right now, my colleague Rakesh Trivedi reports from Andheri subway. Let's take a look at this report. मुंबई में बीती रात से झमाझम बरसात हो गई है, और इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि जो अंधेरी सबवे है वो एक बार फिर से पानी से लबालब भरा हुआ है, और इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये अंधेरी सबवे जो है वो अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है। मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जल जमाव की स्थिति जो देखने मिल गई है। ओबराय मॉल के पास जो जंक्शन है वहां पर जल जमाव के बारे में पता चल रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बारे में बात करूं तो विले पार्ले और एयरपोर्ट का जो ब्रिज है वहां पर भी जो है बरसात जो है वो बहुत ज्यादा होने से वाटर लॉगिंग है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाते रहूं तो यहां पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो भी यहां पर अब पानी को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बड़ा बड़े जो पंप है वो लगाया गया है। बरसात के अगर असर की बात करें तो खासतौर से हार्बर लाइन पर जो ट्रेनें हैं वो 15 मिनट की देरी से चल रही है। वेस्टर्न लाइन पर और सेंट्रल लाइन पर जो ट्रेनें हैं वो 10 मिनट की देरी से चल रही है। इसका असर जो है हवाई यातायात में भी पड़ा है, ऐसी जानकारी हमें यात्रियों से मिल रही है। कुछ उड़ानें जो है वो देरी से अभी फिलहाल चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो, तीनों ही जो है वो इससे प्रभावित नजर आ रही है। तो लगातार बरसात हो गई, खासतौर से मौसम विभाग ने भी ये अनुमान जताया है कि अगले कुछ घंटे मुंबई और मुंबई के आसपास खासतौर से थाने, पालघर, रायगढ़ ये जो इलाके हैं इस पर आसमानी आफत आ सकती है। अगले कुछ घंटों में भीषण बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बरसात हो सकती है, और ऐसे में जो है जल जमाव की स्थिति ज्यादा हो सकती है। गनीमत इस बात की है कि आज शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होती है, लोग कम ही घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए कम से कम लोग जो है वो प्रभावित होंगे। लेकिन उसके बावजूद आज शनिवार की जो सुबह है वो काफी तेज बरसात से हुई है। लोगों से भी ये अपील है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, और वक्त का जो है ध्यान रखते हुए वो बाहर निकले, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ज्यादा वक्त ट्रैवलिंग में लग सकता है। तो मुंबई में ये तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीआरएफ की टीमें खासतौर से भिवंडी, थाने, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में भी तैनात की गई है। लेकिन फिलहाल मुंबई में बरसात लगातार जारी है। ये बरसात अगर अगले कुछ घंटे तक मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगर ऐसे ही चलती रही तो निश्चित तौर पर मुंबई की समस्या और बढ़ सकती है। Alright, that's the given situation in Mumbai. But let's also tell you, as far as Gujarat is concerned, incessant rainfall in Porbandar's Madhavpur has left roads waterlogged. The area around the temple is submerged in water, deep water, in fact, after continuous rainfall. An alert sounded in area with more rainfall predicted even today. My colleague Hiten reports. Let's take a look. इस वक्त हम पोरबंदर जिले के माधवपुर में मौजूद है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर। हालांकि ये पूरी सड़क है, लेकिन इस वक्त जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। आगे आप देखेंगे वो फूल की दुकान है जो मंदिर के बाहर होती है, या फिर अन्य जो भी दुकानें या रेडिया है, चाय की दुकान है, वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। ये हर साल होता है,
आखिरकार क्यों होता है, इसकी क्या समस्या है, उसका हल क्या हो सकता है, इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। लोगों से ही बात करते हैं कि इस बार कुछ ज्यादा है नहीं, और साल की इस तरह है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, एक महीना ज्यादा मानसून बैठ गया है ये पानी का, यानी कि पाना एक महीना जल्दी से आ गया है। अभी क्या, अभी दो महीने तक बारिश गिरेगी, यानी क्या होने वाला है अभी कुछ पता नहीं सकते। ऊपर रोड पर चढ़ भी सकती है और ना भी चढ़ सकती है। आधा पानी है जो ओजत भादर केनाल नदी आती है, ये सब वंथली साइड मेंदेड़ा साइड से जो मधुवंती ओजत वगैरह वहाँ से आता है, और आधा पानी यहाँ से यहाँ जो बारिश होती है उसका है। तो मतलब ये गांव में हर साल पानी इसी तरह घुस जाता है, हर साल इसी तरह, हर साल लोगों के घरों में रहता है, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता है, लेकिन वणकरवास होता है ना, वणकरवास है तो वहाँ थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कोई अभी तक किसी के घर में घुसा ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस सड़कों पे और चौक में ये पूरा है ना, ये पूरा लैंड है जो आप यहाँ खड़े है वो पूरा अंडर है, ये चौक है, हाँ ये पूरा लैंड है अंडर है। उस तरफ जाओ देखो पूरा फील्ड है, फील्ड में भी पूरा भरा रहेगा, वो सब आएगा बाद में, जब आठवां महीना आएगा ना दीपावली के बाद तब खत्म होगा, तब उसमें बीज बोएंगे, तब तक तो ये रहेगा। अच्छा। यहाँ तक ये काम होगा या आगे बढ़ेगा पानी, समझे? इस बार पानी का जल स्तर ज्यादा है या कम है? कम है, इस बार ज्यादा है, थोड़ा इस बार ज्यादा है, 15 ये बारिश के मौसम के हिसाब से इस बार ज्यादा है।